बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम है मोहम्मद उमैर। मैं आप तमाम लोगों को अपने YouTube चैनल जॉब रोज़ाना में खुश आमदीद कहता हूँ। जैसा कि आप तमाम लोगों को मालूम है, जॉब्स के हवाले से जो भी कोई नई मालूमात आती हैं, वो मालूमात मैं डेली आप लोगों के साथ अपने चैनल में शेयर करता हूँ और मुकम्मल डिटेल देता हूँ कि आप लोग जॉब के लिए अप्लाई कैसे करेंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ अपनी इस वीडियो में गवर्नमेंट की जॉब्स की डिटेल्स दूँगा और आप लोगों को बताऊंगा कि गवर्नमेंट ने जो ज़बरदस्त किस्म की नौकरियों का ऐलान किया है, उनकी क्या डिटेल्स है और गवर्नमेंट की कौन कौन सी जॉब के लिए आप लोग अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवा सकते हैं। तो सारा मेथड मैं आपके साथ वीडियो में शेयर करूंगा और गवर्नमेंट की बेशुमार नौकरियों की इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो आप लोगों ने करना क्या है, सबसे पहले अपना कोई भी एक ब्राउज़र ओपन करना है, अपने ब्राउज़र के सर्च बार में जाना है और वहाँ जाने के बाद आप लोगों ने हमारी वेबसाइट का नाम लिखना है, naukriads.pk। तो आप लोग स्पेलिंग देख सकते हैं, सबसे पहला लिंक आएगा, आप लोग इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही दोस्तों आप लोग इस लिंक पर क्लिक करेंगे, आपके सामने इस जॉब से रिलेटेड जो भी तफसीली मालूमात होंगी, इन तमाम मालूमात की डिटेल्स आपके सामने आ जाएंगी कि naukriads.pk की जानिब से ज़बरदस्त किस्म की अपॉर्चुनिटीज़ का ऐलान किया गया, ज़बरदस्त किस्म की नौकरियों का ऐलान किया गया। तो डिटेल्स आपके सामने मौजूद हैं और इन डिटेल्स को आप लोग देखेंगे और पेज को करेंगे स्क्रॉल, यहाँ पर आपको हर किस्म की नौकरियाँ मिल जाएंगी, जिसमें आप लोगों के सामने वापडा की नौकरियाँ मौजूद हैं, आप लोगों के सामने पंजाब बैतुल माल की नौकरियाँ मौजूद हैं, उसके बाद NTS की नौकरियाँ मौजूद हैं, उसके बाद रेस्क्यू की नौकरियाँ भी मौजूद हैं, उसके बाद लेटेस्ट स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट की नौकरियाँ भी मौजूद हैं, उसके बाद सुई गैस में नौकरियाँ भी मौजूद हैं, उसके बाद आप लोग देख सकते हैं डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट की नौकरियाँ भी मौजूद हैं, उसके अलावा CMH की भी नौकरियाँ मौजूद हैं और उसके अलावा आप लोग देख सकते हैं कि पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट में भी नौकरियों का ऐलान किया जा चुका है। बाकी आप लोग देख सकते हैं कि IT की फील्ड में भी ज़बरदस्त किस्म की नौकरियाँ मौजूद हैं, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं IT के लोग, IT के मर्द और IT की खवातीन जिनकी कंप्यूटर की तालीम है, वो भी जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो वो लोग यहाँ से जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उनकी बेशुमार नौकरियाँ जो हैं वो आ चुकी हैं। तो इस पर अप्लाई करने का तरीका बहुत ही सिंपल सा है, तो 16/6/2024 इसकी वो लास्ट डेट है, तो यहाँ से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके बाद जो है आप लोगों ने अप्लाई कैसे करना है वो तरीका मैं आप लोगों को बता देता हूँ। और उसके बाद यहाँ पर जॉब्स के टाइटल हैं, आगे सैलरी है, आगे नंबर ऑफ़ पोस्ट हैं, एक्सपीरियंस वगैरह हर चीज़ मेंशन है, क्वालिफिकेशन हर चीज़ मेंशन है, एडवर्टाइजमेंट में हर चीज़ आपको क्लियर जो है वो बताई जा रही है। बाकी आप लोग करेंगे अप्लाई इस पोस्ट के लिए, अप्लाई करने के लिए इस लिंक के ऊपर आप लोग क्लिक करेंगे, नेशनल जॉब पोर्टल की एक ऑफिशियल साइट है जहाँ पर डेली बेसिस के ऊपर बेशुमार जॉब्स की पोस्टिंग होती हैं, तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं जॉब पोस्ट होंगी तो उसके बाद जॉब्स के ऊपर आप लोग क्लिक करेंगे और उसके बाद अपनी मर्ज़ी की जॉब की एप्लीकेशन को फिल करेंगे। तो यहाँ से ज़रा अभी ये पेज लोड हो रहा है, पेज लोड होने में टाइम लेगा। उसके बाद यहाँ से आप लोग देख सकते हैं जॉब्स जो हैं वो लिखी हुई आ रही हैं, तो यहाँ से जॉब्स को सर्च करना और जॉब्स को ढूंढना आपके लिए जो है वो आसान हो जाएगा। तो यहाँ से आप लोग फाइंड अ जॉब फॉर यू, यहाँ पर ये आ रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज आ रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आ रहा है, MOIT में भी नौकरियाँ आ चुकी हैं, पाकिस्तान सिंगल विंडो में भी नौकरियाँ आ चुकी हैं, PSW ये भी आप लोग देख सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग डेवलपमेंट में नौकरियाँ आ चुकी हैं, जॉब्स आ रही हैं, ज़बरदस्त किस्म की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग की नौकरियाँ हैं। तो उसके लिए आप लोग इसके ऊपर क्लिक करेंगे, तो जैसे ही दोस्तों यहाँ पर क्लिक करेंगे, किसी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आप लोगों ने अप्लाई करना है यहाँ पर वर्डप्रेस डेवलपर के लिए, उसके बाद आप लोग अप्लाई नाउ के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, लॉगिन और साइन अप करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग अपने आप को करेंगे साइनअप, साइनअप करने के लिए यहाँ पर आप लोग आएंगे, यहाँ पर आप लोग देंगे अपना ID कार्ड का नंबर, email ID और पासवर्ड देंगे, साइनअप करेंगे, साइनअप नहीं होंगे तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप लोग साइनअप हो जाएंगे, साइनअप के बाद साइन इन होंगे, साइन इन के बाद आप लोग लॉगिन करेंगे, लॉगिन के बाद आप लोग अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करवाएंगे और आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। अगर कोई बात कोई चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।